नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पावर न्यूज, जिनका पर्दाफाश। इस वक्त की बड़ी खबर बस्ती जनपद से। जी हां, घाघरा की कटान दहशत में जनता। घाघरा नदी के कटान से ग्रामीणों में दहशत। अगर बंधों की मरम्मत समय से नहीं हुई, सैकड़ों गांव होंगे प्रभावित। जिला अधिकारी बस्ती राजशेखर ने कहा कि जल्द ही बंधों की मरम्मत कर ली जाएगी। बस्ती जिले में लगभग 100 किलोमीटर की दूरी से सटे घाघरा नदी हर वर्ष बाढ़ से तबाही करती है। इस तबाही से लगभग सैकड़ों गांव प्रभावित होते हैं, साथ ही उनका आशियाना सहित फसलों का भारी नुकसान होता है। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि बस्ती जिले के अधिकारी सहित प्रदेश के मुख्यमंत्री इस बात का दौरा कर चुके हैं, लेकिन बाढ़ को मरम्मत कराने और घाघरा नदी कटान रोकने को कोई उपाय नहीं किया जा रहा है। यहाँ तक कि घाघरा नदी का धारा मोड़ने का काम 6 महीने से चल रहा है, लेकिन यह का भी पूरी तरह फ्लॉप हो चुका है, क्योंकि जो बाहर से मशीनें आई थी आज तक घाघरा नदी का धारा नहीं मोड़ पाई। प्रदेश सरकार धारा मोड़ने के नाम पर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रही है, लेकिन जनता को इसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले वर्ष बाढ़ का बस्ती जिले में दौरा किया था, साथ ही बंधों का निरीक्षण भी किया था, लेकिन आज तक इन बंधों पर कोई कार्रवाई नहीं की। ये पानी बारा मतलब नदी किनारे बंधा सटा है नदी से, अब काम नहीं हो पा रहा ठीक से। बालू खुदाई कर रहे हैं, बालू सीधा पानी में निकलता है, पानी बह जाता है। बाढ़ का जो प्राइमरी एक घटक होती है वो हम लोगों ने फरवरी में कर लिया था 2019 में। उसमें एक होता है कि सबको अलर्ट कर दिया जाता है कि आने वाला जो बाढ़ का मौसम है उसके लिए जो पहले से तैयारी रखनी चाहिए का कुछ महीने से, तो वो तैयारी होती है। अब निर्वाचन के इमीडिएटली बाद हम लोगों ने एक विशेष बैठक इसमें बुलाई गई थी, और इस बैठक में क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 1 जून से जो है हम लोगों की बरसात का मौसम शुरू हो जाता है, और जून जुलाई अगस्त सितंबर तक जो है ये 4 महीने का लगातार ये रहता है, तो उसके लिए हम लोगों की 3 स्तर पे जो है वो कार्रवाई चलती रहती है। एक होता है कि जो हमारे संवेदनशील जो बंधे होते हैं उन बंधों की लगातार मरम्मत की जाए, जहाँ पर भी छोटी मोटी डैमेज हुआ हो उसको मरम्मत कर दिया जाए। ये काम चल रहा है और ये हमें उम्मीद है कि इस महीने के 20 तारीख तक जो है ये कार्रवाई पूर्ण कर ली जाएगी, और इसमें नियमित रूप से जो है अनुश्रवण भी की जा रही है, और हम लोग भी साइट विजिट जो है कल परसों में साइट विजिट करके हम लोग एक बार इसको रिव्यू भी कर लेंगे कि मौके पे क्या हो रहा है। दूसरा ये कि बाढ़ को रोकने के लिए एक प्रभावी तरीका ये होता है कि जो आपका ड्रेजिंग कहते हैं, जहाँ पे कि नदी का जो एक धार होता है कि जहाँ पे कि पानी को हल्की से डाइवर्ट की जाती है ताकि वो बंदे की तरफ ना आकर वो दूसरे इस दिशा में घुस जाए। ये भी पिछले जो है लगभग 7-8 महीने से यहाँ पर ड्रेजिंग का काम हो रहा है 2 जगह पे, जिसका हम लोगों ने साइट विजिट भी की थी, और हम उम्मीद है कि इस बार बाढ़ को जो है प्रभावी तरीके से उसको हैंडल करने के लिए ड्रेजिंग बहुत कारगर साबित होगा, और अब तक लगभग 90% काम हो चुका है, और हमें उम्मीद है कि 15 तारीख तक जो है ये ड्रेजिंग का काम भी वो मौके पर पूर्ण कर लेंगे। इसके साथ साथ जो अन्य व्यवस्था है जैसे कि जो है बाढ़ शरणालय की स्थापना करनी है, जो किट वितरण के लिए जो है सामग्री एकत्रित करनी है, चेक पोस्ट बनाने की ये है, सबकी ड्यूटी तय करने की ये है, ये सब चीज़ पैरेलली जो प्रशासन करता है इस पर भी पैरेलली तैयारी हो रही है, और हमें विश्वास है कि हम पिछले सालों से बेहतर जो है बाढ़ प्रबंधन करने में कामयाब गई, जिससे बंधों की सुरक्षा की जाए। अभी तक जिला प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठाया, वहीं जनप्रतिनिधियों के खिलाफ काफी दोष जनता में देखा जा रहा है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि बस्ती सांसद हरीश द्विवेदी ने वादा किया था कि RCC का बंधा बनेगा, जिससे कटान नहीं होगी, लेकिन सिर्फ वादा ही वादा रह गया। फिलहाल जिलाधिकारी बस्ती राजशेखर ने बताया कि बस्ती जिले में बाढ़ से निपटने के लिए सारी व्यवस्थाएं कर ली गई है। पिछले साल दौरा किए थे चांदपुर में, और तब भी कुछ काम नहीं करा रहे हैं, और RCC का बोले हैं तो उन्हें कुछ नहीं करवा रहे, आज तक 6 महीना हो गया। हाँ, कौनो काम है, और फिर बाढ़ आई है, दूसरा चक्कर हो बाढ़ ही बने दी, दूसरा चक्कर बाढ़ चुकी है। हाँ, कटान वहाँ चालू है, वहाँ
जोनू बालू करार दिखाई पड़ रहा है, वह कटान चालू है वही जब हली नदी ना तो पूरा दाबी पूरा उज्जर बस्ती जिला साफ हो गई। यहाँ पर जनवरी से काम हो रहा है, जनवरी से जो हो रहा काम हमने कई बार बहुत बात बोला लेकिन वो लोग सुनते नहीं हैं। और फिर भी जो है यहाँ पर बालू का खुदाई 4 महीने से हो रही है लेकिन बालू यहाँ पर रुकेगा नहीं, चाहे कितना ही कोशिश करिए। उसके अलावा जो है जैसे वहाँ पर पत्थर ईंटा गिर रहा है, अगर यहाँ नहीं गिरा तो मान लीजिए कि कट जाएगा ही बंधा, बचेगा नहीं, कोई मरम्मत नहीं। अभी गलती हम लोग का है चाहे सरकार का है, हम लोग यहाँ तो ठीक रहा, वहाँ पास मरी लाउट है तो ठीक बात है लेकिन वहाँ का वाला काम खराब है। इधर क्यों नहीं बंधा बन रहा है, क्या हो रहा है? अब मालूम नहीं, अधिकारी काम है ना, रुपया ये लेट बाकर कमी बाय हमारे यहाँ काम होता बाय काम करते हैं वहाँ चांदपुर में, वो सही नहीं काम करते हमारे यहाँ जारी कटान भाई मतलब आधा कर गए यहाँ नहीं करो सुनवाई बाय विधायक विधायक जी नहीं है अपना ही है, जब वोट ले रहा था बहुत है ना, अब जब वोट लेके जीत गए तब ना चिंता पे कोनो आशीष लगवाओ पे आशीष के बजाय क्या हो पालू गिराओ थे खाली। अच्छा ये बताइए यहाँ वो मशीन नदी में लगाई गई है सामने आपके, धारा परिवर्तन करें, क्या धारा परिवर्तन किए ये लोग? कुछ नहीं कर रहे हैं मगर हो नहीं रहा है। अच्छा धारा परिवर्तन नहीं है? नहीं कट गया, कटान लागत है मंधा और जनता इधर से खड़बड़ात है, तो बंधा बचेगा तो कटेगा। बस्ती से इंडिया पावर न्यूज के लिए जयप्रकाश यादव की रिपोर्ट।